आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम ट्रूथ और डाई है। ये मूवी साल 2012 में आई थी। ये एक अनरेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी है। आप में से शायद कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिन्हें इस मूवी के बारे में पता होगा। इस मूवी को देखते वक्त आपको कैबिन इन द वुड्स और सॉ मूवी की याद आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ एक्साइटेड फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर को जहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ पार्टी कर रहे होते हैं। इस मूवी की स्टोरी में पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। क्रिस, जो कि एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होता है, उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, उसका दोस्त पॉल और पॉल की गर्लफ्रेंड एलेनोर, और आखिरी में एक ड्रग डीलर ल्यूक, जो कि उन सबका दोस्त होता है। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि उस पार्टी में उन लोगों के बीच चुपचाप खड़ा हुआ था। वो जेमा को ढूंढ रहा था जिसे वो पसंद करता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पहले से ही इंगेज्ड जेमा को जाके प्रपोज कर सके। ल्यूक जानता था कि फिलिप्स जेमा को पसंद करता है, और साथ में ये भी जानता था कि फिलिप्स पहले से ही बायोसेक्सुअल है। वो फिलिप्स को ड्रग्स का एक डोज देता है और उसके जाकर कहता है कि जाओ जेमा से अपने प्यार का इजहार करो। जैसे ही पॉल और एलेनोर ऊपर जाते हैं तो क्रिस भी गेस्ट हाउस के बाकी सब दोस्तों के साथ में बिजी हो जाता है। तभी फिलिप्स जेमा के पास जाकर जेमा को अपने दिल की बात बताता है, और जेमा प्यारे तरीके से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद देखते हैं कि एलेनोर अकेले नीचे आ रही होती है, और वो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही होती है क्योंकि पॉल ने इतनी पी रखी थी कि जिसकी वजह से पॉल ऊपर जाते के साथ ही सो गया। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए एलेनोर कहती है कि क्यों ना ट्रूथ और डेयर का गेम खेला जाए, और इस गेम में सब लोगों के साथ में फिलिप्स भी पार्टिसिपेट करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो ट्रूथ चूज़ करता है। सबको एक बार फिर चांस मिल जाता है उसका मजाक उड़ाने का। सबको पहले से ही पता था कि उसको जेमा पसंद है, पर साथ में ये भी उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि वो एक गे भी है। एलेनोर उससे पूछती है कि उसके मन में किसके लिए फीलिंग्स हैं, तो फिलिप्स भी जेमा का नाम ले लेता है। ये सिर्फ एक गेम था, लेकिन जेमा का बॉयफ्रेंड इस बात को आसानी से हजम नहीं कर पाता, और वो सबके सामने फिलिप्स को मारता है और उसके इंसल्ट भी करता है, और फिलिप्स रोते हुए पार्टी से चला जाता है। जेमा को भी क्रिस का ऐसा बर्ताव खराब लगता है और वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। ये था फ्लैशबैक। अब हम देखते हैं कुछ महीनों बाद ये लोग फिर से फिलिप्स का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा रहे होते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं मानता। इतने दिनों से किसी ने उससे बात भी नहीं की थी, और ना ही वो किसी के कॉन्टैक्ट में था। उन सबको इनविटेशन मिला और वो सबके सब बर्थडे पार्टी में चले गए, और वैसे भी इन सबको अच्छी तरीके से पता था कि फिलिप्स के परिवार के पास में काफ़ी पैसा है, तो पार्टी भी काफ़ी आलीशान होगी। इसीलिए सब लोग उसके बताए हुए एड्रेस के ऊपर चले जाते हैं। उसके बताए हुए पते पर उनके सामने एक बड़ा सा पैलेस था। देखने में तो काफ़ी सुंदर था, लेकिन काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। अंदर ना ही कोई लाइट जल रही थी, और ना ही कोई अंदर दिखाई दे रहा था, और ना ही कोई अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी। वो लोग वहाँ खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि कहीं वो लोग गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए, कि तभी उन्हें मिलता है इस घर का केयर टेकर, जो कि उन्हें मिलके कहता है कि पार्टी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ से थोड़ी दूर एक कैबिन में हो रही है, इसीलिए वहाँ जाना होगा, और रास्ता ख़राब होने की वजह से वहाँ पर उन्हें पैदल ही जाना होगा। इतना कहते के साथ वो आदमी वहाँ से निकल जाता है, और ये लोग उस रास्ते पे चलते चलते उस कैबिन तक पहुँच जाते हैं। देखने में तो वो कैबिन काफ़ी टूटा फूटा और पुराना लग रहा था, जिसे देखकर इन सब लोगों के सारे एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो जाते हैं। कैबिन के पास जाते ही एक लड़का उन्हें वेलकम करता है। उसका नाम जस्टिन होता है, और वो फिलिप्स का बड़ा भाई होता है, मगर वहाँ वो जिसका बर्थडे मनाने आए हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। जस्टिन कहता है कि प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो कहता है कि वो फिलिप्स का बर्थडे सरप्राइज़ प्लान बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन आज फिलिप्स की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से फिलिप्स यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब आज यहाँ पर कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं होगी। सब लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन उन्हें बहुत सारा खाना और शैंपेन ऑफर करता है। वो उन्हें कहता है कि वो लोग जैसे चाहे वैसे यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, और वो उन्हें कहता है कि वो एक सोल्जर है,
तीन बार अफगानिस्तान में भी जा चुका है और अच्छी खासी ट्रेनिंग हो रखी है उसकी। और पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जस्टिन उन लोगों से कहता है कि ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने के वास्ते। और जैसे ही बॉटल स्पिन होकर जस्टिन के सामने आती है, वैसे ही जस्टिन बॉटल अपने हाथ में उठाकर कहता है कि ट्रूथ, और जस्टिन ट्रूथ चूज कर लेता है। और वो इस मौके का ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे कुछ कन्फेस करना था। वो कहता है कि पहले उसने झूठ कहा था, सच तो ये है कि फिलिप्स ज़िंदा ही नहीं है। तो जब अफगानिस्तान में जंग में लड़ रहा था तब यहाँ उसके भाई ने यहाँ इसी कैबिन में सुसाइड कर लिया था। वो भी जस्टिन हॉलीडे पार्टी के बाद इन नेक्स्ट डे घर लौटने के बाद जस्टिन को अपने भाई के पॉकेट में एक पोस्ट कार्ड मिला था जिसमें लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर बीच। और उसके बेड के पास से इन पाँचों की एक तस्वीर मिली थी और उस तस्वीर में इन सबके चेहरे खरोचे हुए थे जो कि फिलिप्स के गुस्से को दर्शाते थे इन सब के प्रति। जस्टिन को लगता है कि उस दिन उस पार्टी में उसे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लेना ही ठीक समझा। सुसाइड उसके परिवार के लिए काफ़ी शर्मनाक बात थी और असलियत में जस्टिन इस मामले को अपनी तरीके से सुलझाना चाहता था, इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जस्टिन इन सभी से पूछता है कि इस कार्ड को किसने भेजा था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता, उल्टा सब उस पर ही बरस पड़ते हैं और कहते हैं उसने फालतू में उनका टाइम वेस्ट किया। और सभी वहाँ से कैबिन छोड़कर जाने लगते हैं। जस्टिन उन्हें रोक लेता है, वो सब उससे लड़ने जाते हैं तो जस्टिन क्रिस को मारकर उसका हाथ तोड़ देता है और एलिनॉर को चाटा मारते ही और पॉल के पैर में गोली मार देता है। जस्टिन उन सबसे उनके फोन्स और कार की चाबियाँ छीन लेता है, उन सबको बांधने लगता है। जब पॉल किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है तो जस्टिन उसके हाथ में गोली मार देता है। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि जस्टिन उन सबसे ताकतवर था और उसके पास गन भी थी। वो लोग समझ चुके थे जस्टिन से बचना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पता नहीं जस्टिन ल्यूक पर ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहा था। जस्टिन इन सभी से दोबारा पूछता है कि वो कार्ड किसने भेजा था। वो उन्हें कुछ वक्त देता है और खुद ल्यूक के साथ में बाहर निकल जाता है। कैबिन से बाहर निकलने के बाद जस्टिन खुद ल्यूक से पूछता है पार्टी के बारे में। ल्यूक के मुंह से निकल जाता है कि उसने फिलिप्स को ड्रग्स दिया था। जस्टिन यही कहता है कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कैबिन के अंदर सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। वो सब लोग क्रिस के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि उसने फिलिप्स को ट्रूथ और डेयर बीच ये वर्ड्स कहे थे और कार्ड में भी यही वर्ड्स लिखे हुए थे। लेकिन वो कहता है कि उसने ऐसा कोई भी कार्ड उसे नहीं भेजा। फाइनली उन्हें समझ में आता है कि आपस में झगड़ कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जेमा के पीछे एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर एक ब्लेड रखा हुआ था। ये सब उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे जेमा ब्लेड ले सकें। जेमा कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है और आवाज़ सुनकर ल्यूक और जस्टिन अंदर आ जाते हैं। एमा को उठाकर फिर से उन लोगों से उस कार्ड के बारे में पूछने लगते हैं। अगर उनमें से कोई कबूल कर ले कि वो कार्ड उसने भेजा है तो वो बाकी के लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी कबूल नहीं करता। जस्टिन दोबारा ट्रूथ और डेयर का गेम शुरू करता है और अब जेमा की बारी आती है और उससे जस्टिन से सवाल पूछता है। बहुत धमकाने के बाद वो कहती है कि कार्ड शायद क्रिस ने भेजा होगा, लेकिन इस कार्ड पर जो डेट लिखी हुई थी उस वक्त क्रिस यहाँ तो था ही नहीं। वो उस वक्त स्पेन में था, लंदन में था ही नहीं। पॉल भी इस बात को सपोर्ट करता है और दोबारा गेम शुरू होता है और बारी आती है क्रिस की और क्रिस डेयर चूज करता है। तो जस्टिन भी उसे काफ़ी चैलेंजिंग डेयर देता है। वो दो जार्स ले आता है और इसमें से एक में पानी होता है और एक जार में एसिड होता है। दोनों ही कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो पाइप डालता है जेमा के मुंह में और क्रिस को कहता है कि जार चूज़ करो किस में पानी है और किस में एसिड है। क्रिस काफ़ी डरा हुआ था और ऊपर से जस्टिन उसे काफ़ी कंफ्यूज कर देता है
मगर किस्मत से वो पानी वाला जार चूज़ करता है और जेमा बच जाती है। और अब बॉटल रुकती है एलिनॉर के सामने। जस्टिन उससे पूछता है कि अब किसको सज़ा मिलनी चाहिए। एलिनॉर ट्रिस का नाम ले लेती है। जस्टिन ल्यूक को फिर से कहता है जार लाने के वास्ते। ल्यूक जार ले आता है, तभी उसको पॉल से बात करने का मौका मिल जाता है। पॉल उसे कहता है कि किसी भी नुकीले छोटी चीज़ को अपने हाथों में पकड़ ले, पास रखने के लिए कहता है। जब जस्टिन बॉटल स्पिन करता है तब उसका ध्यान भटका कर उसकी गन छीन ली जाए तो उसका काम बन जाएगा, नहीं तो वो सभी को मार डालेगा और आखिर में ल्यूक को भी मार देगा। इस बीच जस्टिन वापस आकर क्रिस के मुंह में पाइप फिट करता है। तभी बॉटल उसे बचाने के लिए कहता है कि फिलिप्स एक पागल था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो लोग ना उसे पसंद करते थे और ना ही उसका दोस्त थे। उसका कोई दोस्त नहीं था उस पार्टी में जब वो एलिनॉर के साथ इंटीमेट हो रहा था कि तभी फिलिप्स उस कमरे में आकर उन्हें ताड़ रहा था, उन दोनों को देख रहा था। इस बात से वो दोनों काफ़ी नाराज़ थे। इस बात से जस्टिन और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और पॉल को जार चूज़ करने कहता है, मगर पॉल गलत जार चूज़ कर लेता है। उसमें एसिड होता है जिससे क्रिस के पूरे इनर ऑर्गन्स जल जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जस्टिन फिर से गेम स्टार्ट करना चाहता था लेकिन वहाँ पे एक और शख्स आ जाता है, जॉनसी, ल्यूक का पार्टनर। वो सिर्फ ल्यूक के कहने पर यहाँ पर आया था GPS को फॉलो कर करके, जो कि उसे ल्यूक ने दिया था। जस्टिन ल्यूक को उसे वापस भेजने के लिए कहता है। ल्यूक उसे वहाँ से भेजने की कोशिश भी करता है लेकिन जॉनसी तैयार ही नहीं था, लेकिन जस्टिन आता है उन्हें संभालने। दोनों में हाथापाई होती है, दोनों घायल हो जाते हैं और आखिर में जस्टिन उसे काबू कर लेता है और ल्यूक को टेस्ट करने के लिए उसके हाथ में बंदूक दे देता है। और गन में सिर्फ 3 गोलियां होती हैं और उसे नहीं पता था कि ट्रिगर दबाने के बाद गोली चलेगी या नहीं चलेगी। चॉइस ल्यूक की थी कि जस्टिन को मारे या फिर जॉनसी को। अगर उसने जस्टिन के ऊपर गोली चलाई और जस्टिन मर गया तो वो सब बच जाएंगे, अगर गोली नहीं चली तो जस्टिन ल्यूक को भी मारेगा और उन सबको मार डालेगा। 50-50% चांसेस थे वो बच भी सकता है या फिर मर भी सकता है, मगर ल्यूक रिस्क नहीं लेता और वो जॉनसी को मार डालता है। और उधर कैबिन के अंदर वो सब अपने प्रॉब्लम्स में बिजी थे। जेमा फिर से एक बार उस टेबल के पास फिर से पहुंच जाती है और वो नीचे गिर जाती है, मगर इस बार वो ब्लेड भी जेमा के साथ नीचे गिर जाता है जिससे वो अपने हाथ को फ्री कर लेती है और एलिनॉर और पॉल को भी आज़ाद करने की कोशिश करती है। लेकिन एलिनॉर उससे कहती है कि पॉल की जो हालत है उससे आज़ाद करने के बाद भी वो भाग नहीं सकता और वो खुद भी पॉल को छोड़कर नहीं भाग सकती। जेमा पीछे के रास्ते से कैबिन से भागने लगती है और सामने कैबिन के सामने ल्यूक और जस्टिन बात कर रहे होते हैं कि ल्यूक ने जस्टिन का भरोसा जीत लिया था और जस्टिन भी उसे प्रॉमिस करता है अगर वो उसका साथ आखिर तक देगा तो वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे कभी भी कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं होगी। जस्टिन के पिता डैड यानी कि उन्हें सब कुछ बचा लेंगे, यानी कि जस्टिन के डैड को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता था। हम देखते हैं जेमा को जो जंगल के रास्ते से उस मेंशन में जा पहुँचती हैं। उसे पता नहीं था कि जस्टिन के परिवार को भी इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, तो उसे लगा उसके घर में कोई तो होगा, उसकी जान बचा लेगा, एटलीस्ट एक फ़ोन तो होगा जिससे वो फ़ोन कर सकें। लेकिन वो घर पूरी तरह से सुनसान था जैसे वहाँ पर कोई नहीं रहता हो। जेमा को उस घर में एक तार नज़र आता है जो कि एक कमरे की ओर जाता था। जेमा उस तार का पीछा करके उस तार के कमरे तक पहुँची तो सामने देखकर हैरान हो जाती है कि सामने फिलिप्स दिखता है जो कि बेड के ऊपर होता है और वो पूरी तरह से पैरालाइज होता है। वो सिर्फ अपनी उंगली हिला सकता है और जेमा उससे बात करने लगती है और तभी केयरटेकर आकर जेमा के ऊपर गन पॉइंट पर ले लेता है और दोनों में फाइट शुरू होती है और जेमा उस केयरटेकर को मार डालती है। वो फ़ोन ढूंढने लगती है मगर इस बीच जस्टिन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे मार देता है।
लेकिन जाते जाते जेमा जस्टिन के लिए एक सवाल छोड़ देती है कि उस दिन पार्टी में सबने उसका मजाक उड़ाया था, मगर इस छोटी सी बात पे वो सुसाइड क्यों करेगा। कैबिन में पॉल और एलिनॉर ल्यूक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ल्यूक उन्हें आज़ाद करने से मना करता है और बातों ही बातों में उन्हें बताता है कि उसने ही वो कार्ड भेजा था। इट वॉज जस्ट प्रैंक। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका असर इतना भयानक हो सकता है। जब वो नहीं मानता तो एलिनॉर उससे फ्लर्ट करने का नाटक करती है और उसे अपने करीब बुलाती है और अब अपने दांतों से उसकी उंगली काट लेती है। इतने समय से वो कोशिश कर रही थी अपने हाथ खोलने की और वो अपने हाथ आज़ाद कर चुकी थी और वो ल्यूक को ज़ोर से धक्का देती है, जिससे वो जाकर नुकीली चीज़ पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे जस्टिन आ चुका था फिलिक्स के साथ में। एलिनॉर एसिड से भरे जार के ऊपर शूट करती है और उसे जस्टिन के ऊपर फेंक देती है और उससे जस्टिन का शरीर जलता है और वो दर्द में बेहोश हो जाता है। पॉल तभी भागना चाहता था, लेकिन एलिनॉर उसे कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो पॉल को कार में वेट करने के लिए कहती है और खुद जस्टिन से बात करने जाती है, जो शायद जस्टिन को भी नहीं पता था। जस्टिन के लौटने के बाद वो उसके सामने ही पूछती है कि उसे किससे डर लग रहा था। फिलिप्स अपनी आंखों से जस्टिन की ओर इशारा करता है और यहाँ पर मूवी का सब में बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि हमें पता चलता है कि इतने समय से जस्टिन झूठ कह रहा था कि उसने पार्टी से आने के अगले दिन ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बल्कि उसने तो जस्टिन के आने के एक दो दिन पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था अपने भाई के डर से। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इसका उसे कोई एतराज़ नहीं था। उसे तो डर था उसके भाई का, अगर उसके भाई को पता चल जाता उसकी करतूतों का जो उसने उस पार्टी में किया था। असल में जब वो पार्टी में उस रात जो हुआ था, उस रात रोते रोते उस पार्टी से निकल गया था, तब एलिनॉर ने उसे रोक लिया और उसे पता था कि फिलिप्स एक गे है, तो उसने उसका फ़ायदा उठाने के लिए एक गेम बनाया। उसने फिलिप्स को पॉल के साथ इंटीमेट होने का मौका दिया जो बेहोश था, और उसका उसने वीडियो बनाया था और कैमरा इस तरह फिट किया था कि ऐसा लगे कि फिलिप्स उसे इंटीमेट हो रहा था। फिर पॉल के लिए एक लेसन होने वाला था कि पॉल एलिनॉर में और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब एलिनॉर के डैड की कंपनी कर्ज में डूब गई तो उसने इस वीडियो को इस्तेमाल करना ही ठीक समझा। फिलिप्स को उसने एक मेल भेजा मदद के वास्ते और उस मेल में ये वीडियो भी भेजा उसे ब्लैकमेल करने के लिए, और उसे पता था कि अगर फिलिप्स के परिवार में ये बात पता चलेगी तो उसके परिवार की फेस लॉस होगा। फिलिप्स ज़रूर अपने परिवार से बात करेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट करना ही ठीक समझा अपने भाई के डर से। ये थी उसके सुसाइड अटेम्प्ट करने की असली वजह, क्योंकि फिलिप्स को पता था जस्टिन एक होमोफोबिक है, उसे इंसानों से नफरत है, ये चीज़ उनके जैसे रॉयल फैमिली के लिए अपमान है। एलिनॉर का काम ख़त्म हो चुका था और वो फिलिप्स के हाथ में एक ग्रेनेड देती है जिसकी रिंग उसकी उंगली में डालती है और कहती है अगर उसने चाहा तो उसे वो पुल करके ब्लास्ट कर सकता है, उसे इस नर्क से आज़ादी मिल जाएगी और वो सुकून की मौत मर जाएगा, और अगर वो चाहे तो उसके पागल भाई को भी उसके साथ मार सकता है, चॉइस उसकी है, ये कहकर एलिनॉर चली जाती है। एलिनॉर पॉल के साथ उस गाड़ी से निकलती है और उसके पीछे हम देखते हैं कि उस घर में एक बड़ा सा धमाका होता है। फिलिक्स ने मार डाला था खुद को और उसके भाई को, क्योंकि जिस फैमिली में उसका कोई वजूद ही नहीं था और इतना डर डर के रहना पड़ता और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना पड़ता, वहाँ से अच्छा तो मरना ही बेहतर है, तो शायद इसीलिए उसने मरना ही ठीक समझा। इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी मजाक करना डेडली हो सकता है, तो मजाक करने से पहले हज़ार बार सोच लेना चाहिए। आगे मैं ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के ऊपर वीडियो लाऊंगा जो मूवीज़ अंडररेटेड है, स्लैशर है, हॉरर थ्रिलर है, इन मूवीज़ के ऊपर मैं आगे बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Thank you for watching this video.